आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। क्रूज रेव पार्टी केस को लेकर आए दिन कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। इस केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी तक जमानत नहीं मिल सकी है, तो वहीं जमानत की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आने का दावा किया जा रहा है जिससे केस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आर्यन के खिलाफ एनसीबी ने जो उनकी व्हाट्सएप चैट कोर्ट में दिखाई, उस चैट को लेकर काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियां हो गई है। कहा जा रहा है कि नए जनरेशन की भाषा समझने में एनसीबी से चूक हो गई। दरअसल बीते शुक्रवार को आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई पर बहस के दौरान एनसीबी ने आर्यन खान के उस व्हाट्सएप चैट के बारे में बात की जिसमें क्रूज पर ब्लास्ट करने की बात कही गई है। तो वहीं बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट की माने तो इस पर आर्यन के वकील ने दलील दी है कि ये नई जनरेशन की भाषा है जिसे लेकर एनसीबी को गलतफहमी हो गई है। आजकल की जनरेशन खास करके व्हाट्सएप पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है जिसका कोई गलत मतलब नहीं होता है। अब तक लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।